डिलीट जो है कहाँ से किया था, वो हमने इंसर्शन किया था बिगिन से लास्ट जो लेक्चर था। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो डिलीट ऑपरेशन करेंगे और बिगिन से करेंगे। ठीक है, छोटा सा लॉजिक है, पहले उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे, क्योंकि लास्ट वो जो जो हमने लिंक लिस्ट बनाया था वो किसी ने डिलीट कर दिया है, तो दोबारा बनाना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो इसलिए पहले लॉजिक समझ लेते हैं। ठीक है, मैं जो है डिलीट फ्रॉम बिगिन कैसे होगा मैं ये बताता हूँ, थोड़ा जल्दी करेंगे कोशिश करने की, ताकि हम समय से अपना जो है इम्प्लीमेंटेशन भी इसका कर लें। थोड़ा सा आज एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। डिलीट फ्रॉम बिगिन सिंगली लिंक लिस्ट, जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसमें अगर हम बिगिन से डिलीट करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है। पहले तो यही हो सकता है कि हमारी जो लिंक लिस्ट है उसमें सिर्फ हेड हो और हेड के अंदर नल हो। ठीक है, ये हमारा हेड नोड है और यहाँ पे नल है, इस तो पॉसिबिलिटी यही होती है। अगर ऐसी सिचुएशन है जब हमारे पास नल ही है ऐड में, तो उसका मतलब क्या है कि हमारी लिंक लिस्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम उस केस में क्या लिखेंगे, नो डिलीशन पॉसिबल। सेकंड हो सकता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही नोड है, ठीक है, ये हमारा हेड है और सिर्फ एक ही नोड है इससे एसोसिएटेड, और इसी को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट तो हो जाएगा लेकिन, क्योंकि एक नोड है हमारे पास उसको हम डिलीट कर सकते हैं, और ये हेड हमारा यहाँ में बन गया, और सपोज इसका एड्रेस है 100, ये जो 100 है ये हेड के अंदर भी होगा, यहाँ पे 100 होगा, और जैसे ही इस 100 को हम यहाँ डाल देते हैं तो हमारा नोड हेड से कनेक्ट हो जाएगा। लास्ट नोड है, फर्स्ट नोड और लास्ट नोड यही है, तो जैसे ही इसको डिलीट करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, हेड में नल हो जाना चाहिए। तो टेम्प एक वेरिएबल ले रहे हैं, टेम्प के अंदर हेड डालेंगे, जिसका मतलब है कि अब हम इसको डिलीट कर चुके हैं, जिसको भी डिलीट करना है उसको टेम्प के अंदर स्टोर करेंगे। अब तक हमने जो इंसर्ट किया था उसके लिए जो नोड बनाया था उसका नाम टेम्प रखा था, यहाँ इस लॉजिक में जो हम नोड डिलीट कर रहे हैं उसका एड्रेस टेम्प के अंदर लेके जा रहे हैं। तो जो हेड के अंदर 100 है, तो टेम्प के अंदर 100 पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस नोड को जो हमारा जिसका एड्रेस 100 है इसको हम डिलीट करने वाले हैं, और फिर इसको करेंगे मेमोरी से फ्री फ्री और टाइम। ठीक है, इतना करेंगे। अगर हमारे पास कई सारे नोड हैं तब हम कैसे करने वाले हैं, बस मैं अभी 3 नोड बना रहा हूँ, 3 से ज्यादा भी बना सकते हैं, बट 3 सफिशियंट होते हैं हमारे लिए, सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम। ये हो गया आपका हेड, ठीक है, लॉजिक आसानी है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग है अभी, तो हो सकता है कि थोड़ा समझने में आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़े, लेकिन लॉजिक आसानी है। ये 100 का एड्रेस यहाँ डाल दिया है हमने, ये यहाँ पे वैल्यू है 5, इसको फिर हमने यहाँ पे 10, और एक यहाँ पे हो गया आपका 15। लास्ट वाला नोड जो होगा यहाँ नल होगा, उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका एड्रेस 200 है, अगले वाले का एड्रेस हम मान रहे हैं 300, तो
जो सेकंड का एड्रेस है वो फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट में होगा, यानी यहाँ पे होगा। ये 200 हमने स्टोर कर लिया है, यहाँ पे 300 होगा अगले वाले का एड्रेस, जिससे आपस में लिंक हो जाएंगे। ठीक है, जब हम इसको डिलीट करेंगे तो जैसे ही ये डिलीट हो जाता फर्स्ट नोड, तो जो सेकंड नोड है इसका एड्रेस आप हेड में डाल दें, और इसका एड्रेस कहाँ से मिलेगा, फर्स्ट के नेक्स्ट पार्ट से। तो इसको करने के लिए क्या करना है हमने, देखिए जो हमारा डिलीट होना है वो कहाँ रहेगा, टेम्प के अंदर। टेम्प इज इक्वल टू आप हेड कर लेंगे, यानी हमारा जो पहला है जिसका पहला नोड है जिसका एड्रेस 100 है और इस समय उसका एड्रेस हेड के अंदर भी है, उसको हमने टेम्प के अंदर पास कर दिया। इसका मतलब अब हम डिलीट करने वाले हैं फर्स्ट नोड को। अब हेड जैसे ही अगर सपोज करते हैं फर्स्ट नोड डिलीट होगा तो हेड के अंदर हो जाना चाहिए 200, क्योंकि अब जो सेकंड नोड है वही फर्स्ट नोड हो जाएगा, क्योंकि जो पहला नोड था उसको हम डिलीट कर चुके हैं। तो 200 हमारे पास कहाँ से आएगा, तो वो आएगा जो इस समय टेम्प है हमारा, टेम्प के अंदर 100 है और 100 के नेक्स्ट वाले हिस्से में हमें मिल जाएगा 200। यानी अब हमने हेड को यहाँ से मूव कर दिया है, और मूव करने के बाद उसको कहाँ ऐड कर दिया है, यहाँ से अब ये वैल्यू यहाँ इससे लिंक हो जाएगी और ये कनेक्शन कट जाएगा और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 200। आफ्टर जैसे ये डिलीट होगा, तो ये डिलीट होते ही जो है पहला नोड अब 200 वाला बन जाएगा। और ये 200 कहाँ है, जो हेड है, हेड के अंदर कितना है 100, इसको हमने टेम्प के अंदर डाल दिया, यानी अब ये टेम्प हो गया हमारा फर्स्ट नोड, क्योंकि इसके अंदर 100 एड्रेस है, जो भी एड्रेस होता है उसी नोड। डिलीट हो गया सारे सारा, लास्ट वाला केस मैं बता रहा हूँ सिर्फ, जिसको भी हम कर रहे थे कंप्लीट नहीं हुआ था उसी को मैं पूरा करा देता हूँ, फिर इसका जो एल्गोरिथम होगा वो जो चीजें हैं वो और क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से इसको लिंक कर दिया है हमने, यानी ये आपका 100 है इसका एड्रेस, और ये वैल्यू आपकी 100 यहाँ पर पहुंच जाएगी हेड के अंदर। शुरुआत वाली जो स्थिति है, शुरुआत वाले जो स्टेजेस हैं, उनमें फर्स्ट जो नोड है जिसका एड्रेस 100 है वही हेड के अंदर होगा। ठीक है, अब ये 200 वाला सेकंड नोड है और 300 वाला आपका थर्ड नोड है, लास्ट नोड। इस लिस्ट के लिए लास्ट नोड माना हुआ हमने, इसको पिछले क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू 5 है इसके अंदर, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगले वाले का एड्रेस होगा, यानी नेक्स्ट नोड का जो 200 होगा, यहाँ पे वैल्यू 10 हो गया और इसके अंदर आपका वैल्यू होगा 300, जो कि इसको ऐड कर रहा है नेक्स्ट नोड से। यहाँ पे आपका 15 हो गया। जैसे इसको हम डिलीट करते हैं फर्स्ट नोड को, तो ये वाला वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, यानी इसे करने के लिए हमने क्या करना है, टेम्प हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर आपने हेड की वैल्यू डाल दी, यानी अब जो टेम्प है वो इसको नोट डिनोट कर रहा है फर्स्ट नोड को। हमने क्या करना है, हेड के अंदर वैल्यू डालनी है 200, और जो कहाँ है टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में, और बी किसको करेंगे हम, थ्री करेंगे टेम्प। इतना करते ही हमारा ये वाला नोड, बिगिन वाला नोड डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसी के लिए एल्गोरिथम क्रिएट करूँ,
जिससे आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये डायग्राम समझने के बाद हमने एल्गोरिथम बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एल्गोरिथम, किस लिए बना रहे हैं एल्गोरिथम? डिलीट ए नोड फ्रॉम सिंगली लिंक्ड लिस्ट बिगिन पोजीशन। राइट, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिन, डिलीट ए नोड फ्रॉम बिगिन इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ये हमारा एल्गोरिथम का नाम हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्टेप लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? स्टेप फर्स्ट, डायग्राम को समझते भी चले जाएंगे कब हमें क्या स्टेप लगाना है। स्टेप वन हमारे लिए होगा जब, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब हेड के अंदर होगा नल, हेड, और हेड के अंदर नल है, यहाँ पे आपका नल हो गया। ठीक है, यानी हमारे पास कोई लिंक लिस्ट नहीं है, तो यहाँ पे लिख दें चेक। हेड इज इक्वल टू नल, देन राइट नो डिलीशन पॉसिबल। इसको फिर यहाँ से फिनिश करते हैं, अदरवाइज गो टू स्टेप टू। स्टेप टू में हमारे पास क्या होगा, इसको रिमूव करके इसमें स्टेप टू के हिसाब से इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, एक ही नोड है हमारे पास, यहाँ पे एक ही नोड है। ठीक है, और इसको हम जैसे ही डिलीट करेंगे तो यहाँ जो है वैल्यू ये 100 हो गया, और ये हो गया आपका 100। अगर हेड के नेक्स्ट में नल है तो इसका मतलब एक ही नोड है, तब हम इसको डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद हेड में नल डालेंगे। स्टेप टू, स्टेप एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल, यानी इसके नेक्स्ट पार्ट में नल है। हेड का मतलब है 100, 100 वाले के नेक्स्ट में नल होने का मतलब क्या है, किसी भी एक ही नोड। तो देन हमने क्या करना है, टेम्प के अंदर डालना है हेड, और ये राइट डिलीटेड वैल्यू इज टेम्प एरो नम, इसको शो करा दें, ये नम वाला वेल पार्ट है, इसलिए जो डिलीटेड नोड है वो टेम्प के अंदर है। टेम्प एरो नम से ये 5 प्रिंट हो जाएगा, और इसके बाद इसको कर देंगे फ्री। ठीक है, फ्री कर दिया, अदरवाइज गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 पे पहुंचेंगे, और स्टेप 3 तब हम यूज करने वाले हैं जब हमारे पास
कई सारे नोड हैं, ये हमने बना दिए। नीचे को मैं इसको बना रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, तो इसलिए इस तरह से बना रहा हूँ। ये नेक्स्ट हो गया, ये नेक्स्ट हो गया, ये 200 है इसका एड्रेस, और इसका एड्रेस आपका 300 है। यहाँ पे आपने 200 डालना है। इरेज कर देते हैं बीच का क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे 200 होगा, तो 200 डालते ही ये लिंक बन जाएगा यहाँ से यहाँ, और इसमें होगा 300। 300 यहाँ डालते ही, 300 यहाँ डालते ही आपका इसका लिंक बन जाएगा, ठीक है। ये क्रॉस कर दिया, ये 10 डाल दिया, और ये 15 डाल दिया, ठीक है। इसको डिलीट करेंगे और हेड के अंदर डाल रहे हैं नेक्स्ट नोड। तो हमने क्या करना है, टेम्प इज इक्वल टू हेड, और हेड इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड का एड्रेस है टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हो गया। और इसके बाद हमने क्या करना है, राइट डिलीटेड वैल्यू इज टेम्प एरो नम, इसको बड़ा कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। और इसके बाद इसको करेंगे फ्री। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका स्टेप 4, और स्टेप 4 में लिखूंगा स्टॉप। ये आपका पूरा हो गया एल्गोरिथम। सबसे पहले नल है तो कुछ नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। नेक्स्ट में तो एक ही नोड है, उसको डिलीट कर लिया। और यहाँ पे एक काम और करना है, यहाँ पे एक लाइन ऐड और करनी है कि हेड के अंदर नल पास करना है। इसके बाद कर दें आप तो भी ठीक है, लेकिन इसी स्टेटमेंट के बाद करना है। अगर अदरवाइज हमारे पास क्या है, हेड की वैल्यू टेम्प में, और उससे अगले वाला जो वैल्यू है, यानी अब टेम्प ये बना हुआ है हमारा, इससे नेक्स्ट हमारा एड्रेस जो है वो कहाँ है, टेम्प के नेक्स्ट में 200 वैल्यू आपने हेड में डाल दिया, फिर इसको शो करा दिया, फ्री करा दिया, इतने से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। बेटे समझ आया आप लोगों को कैसे करना है? सबसे पहले हमने हेड को चेक करना है कि हेड में नल है क्या, अगर नहीं है तो उसके नेक्स्ट पार्ट में नल चेक करना है। जब नेक्स्ट में भी नल नहीं है तो सिंपल डिलीट करो, सेकंड को जो नोड है उसको एड्रेस पास कर दो हेड में। अब मैं इसका बता रहा हूँ आप लोगों को प्रोग्राम कैसे बनना है। डिलीट नोड लगा रहे हैं क्योंकि टेम्प हम यूज कर रहे हैं बार बार। अब यहाँ पे लिखेंगे को नल, तो क्या करना है, प्रिंटेप नो डिलीशन पॉसिबल एल्स, इसको बंद कर देते हैं, हेड एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल, तो क्या करना है, ये करना है टेंथ के अंदर हेड
और इसको यहाँ सेमी कोलन लगाएंगे, और इसके बाद हमें क्या करना परसेंट डी डिलीटेड वैल्यू परसेंट डी और टाइम पेरो नम, ठीक है, इसको बदल देंगे टाइम पेरो नम। अब क्या करना है, एक ही नोड था उसी को डिलीट करने वाले हैं, तो हेड के अंदर करेंगे पास नल और फ्री करेंगे टेंट को, करना ही है बस, सिंपल है। इसके बाद इसको बंद कर देते हैं और एल्स पार्ट लगा देते हैं। एल्स में क्या होना, कई सारे नोड है, यहाँ पे बता देता हूँ लो जी कैसे चलेगा। एल्स टेम्प इज इक्वल टू हेड और हेड इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट वाले की वैल्यू डाल दी हमने, प्रिंटर डिलीटेड वैल्यू वैल्यू परसेंट डी कॉमा टेम एरो नम, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, टेम्प में फ्री करना है, ये हो गया टेम्प, काम खत्म हो चुका है। एक ब्रैकेट ये बंद और एक ये बंद, बस इतना सा लॉजिक है। अब मैं समझा देता हूँ कि फटाफट, अगर नल है तो नो डिलीशन, नेक्स्ट है हेड के नेक्स्ट में नल है तो इसका मतलब एक ही नोड है, उसको हमने डिलीट किया, यानी हेड की वैल्यू टेम्प के अंदर डाल दी, और उस वैल्यू को जो हमने डाली थी जिसका एड्रेस हमने टेम्प के अंदर डाला हुआ है, उसमें जो नंबर वाला हिस्सा है जिसका नम वाला पार्ट है उसको डिस्प्ले करा दिया और टेम्प को फ्री करा दिया मेमोरी से, इसी स्टेटमेंट से मेमोरी रिलीज होगी, और जब एक ही नोड था उसी को खत्म कर दिया तो हेड के अंदर ना लगेगा। एल्स जो अदरवाइज हमारे पास अगर कई सारे नोड है तब कैसे करना है हमें, तब करने के लिए हमें सबसे पहले लेना है हेड के अंदर टेम्प के अंदर हेड का एड्रेस डलवा दीजिए, और अब क्या करना है, हेड को नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा नोड है उस पर पॉइंट करना है, तो जो हेड है हेड इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट, वैल्यू जो भी हमारी हमने जिस नोड को रिलीज किया है उसकी वैल्यू जो भी है नंबर वाले पार्ट में उसको हमने क्या करना है, शो करना है, तो उसको शो करा दिया हमने प्रिंटर की स्टेटमेंट से और फ्री से उसको मेमोरी रिलीज करा दिया। अब हम चलते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे, आज थोड़ा हमने वो दोबारा ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो अब मैं लेके चलता हूँ प्रोग्रामिंग को। हाँ भाई, एक मिनट ओके, स्टॉप करना पड़ेगा यहाँ से, शेयर अब मिल जाएगा,
कोशिश करते हैं, है नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। कोई बात नहीं, अभी बना लेते हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एक्स, हैश इंक्लूड होमियो डॉट एक्स, और ये बना दिया हमने अपना, बनाना है इंक्लूड हेलो डॉट एच, और ये बना दो स्ट्रक्ट नोड इंट नम स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट टाइप गेट स्ट्रक्ट नोड ओ डी नोड, यहाँ पे लिखो वो डिस्प्ले एक बनाओ वो डिलीट लेकिन, और ये बनाया नोट हेड वॉइड में एस लिंक नोट स्टार टेम्प टेम्प बनाते हैं, तो भी बनाते हैं जो हमने पहले बनाया था नोड ए स्टार नोड बी स्टार नोड सी node a equal to node star malloc, ये हो गया size of node enter एंटर वैल्यू स्कैनर ये आपका हो गया पर्सन डी कॉमा नोड एरो ए नोड ए नोड ए एरो, ये हो गया आपका नंबर नोड ए एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल, इसकी कॉपी कर देते हैं फटाफट हो जाए। ओके, और ये हो गया आपका एक बार पेस्ट और एक बार और यहाँ पे कर लेते हैं इसे नोट बी नोड बी नोड सी
ये हो गया आपका नॉन सी। थर्ड लिख दो और यहाँ पे लिख दो सेकंड। फटाफट अब हेड के अंदर डाल देंगे नोड ए और नोड ए के नेक्स्ट पार्ट में नोड बी और नोड बी के नेक्स्ट पार्ट में नोड सी और यहाँ डिस्प्ले कॉल करेंगे और यहाँ डिलीट लेकिन और फिर से डिस्प्ले। लेट्स सी और ये बोले डिस्प्ले नोड पर इक्वल टू हेड वाई पर नोड इक्वल टू नल प्रिंटर परसेंट डी और ये हो गया पर एरो नम पर सी यू डॉलर पर इक्वल टू पर एरो नेक्स्ट वॉइड डिलीट लेकिन सेव कर लेते हैं नोड स्टार टेम हेड इज इक्वल टू नल प्रिंटर नो डिलीशन पॉसिबल एंड लाओ एल्स इफ। ये हो गया हेड एरो नेक्स्ट इक्वल टू नल तो क्या करना है टेम इज इक्वल टू हेड और हेड इज इक्वल टू इक्वल टू नल प्रिंटर डिलीटेड वैल्यू इज परसेंट डी और ये हो गया टेम एरो और ये हो गया नम। इसके बाद करो कि टेम और ये बंद और एल्स लिखो टेम की जगह को हेड और हेड की जगह को टेम एरो नेक्स्ट प्रिंटर वैल्यू इज परसेंट डी टेम एरो नम और ये हो गया थ्री ये आपका टेम ये बन।
है और इसको रन करते हैं। देखो तो एक इसमें छूट गया सबसे पहले यहाँ 12, फिर यहाँ पे 13 और यहाँ पे 14। एक मिनट, 9 स्टार नीचे नेक्स्ट में 9 बी, 9 बी के नेक्स्ट में 9 सी, और डिस्प्ले में क्या हुआ? कर नेक्स्ट, टाइम गेम बच्चा। चलो इसको मैं देख लूंगा, ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई लिंकिंग की दिक्कत है। तो सेव भी नहीं कर रहा हूँ। 12, 13 और ये 16 गार्बेज वैल्यू उठा रहा है, एंड ऑफ छुटा हुआ है और कुछ नहीं, एंड छुटा हुआ। यस, अब भी हो सकता है, दिक्कत है यहाँ पे। हमने स्कैन ऐप में एंड नहीं डाला, बस ये दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। समय नहीं है, कल ही रन कर पाएंगे अभी इसको। बस ये दिक्कत है इसमें, जो वैल्यू जो उठा रहा था वो, इसलिए 1 मिनट बस अभी रुक जाओ, मैं अटेंडेंस ले लूँ, अभी मत जाना, लीव मत करना, मैं सेव कर लूँगा। जो दिक्कत थी वो सिर्फ एंड ऑपरेटर छूटा था हमारा, जिसके कारण वो वैल्यू सही नहीं उठा रहा था। सेव कर देता हूँ। यस, रोल नंबर, समय बचता है तो कर देंगे भी। 15, देन 18, 19, 26, 26 के बाद में 33, 38, नेक्स्ट 48 और है 66।